हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिस रंजा किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना भेल, या हम इसे स्टीम साबूदाना खिचड़ी भी बोल सकते हैं, जो काफी हेल्थी है। कम से कम ऑयल इसमें यूज होता है और झटपट भी बन जाती है। चलिए फिर बनाते हैं टेस्टी एंड झटपट बनने वाली साबूदाना खिचड़ी। नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साबूदाना 4 से 5 घंटे फुला कर रख लिया है, और हमने यहाँ पे सांचे में पानी गर्म कर लिया है। अब हम ये सांचे में प्लेट रख देंगे, और हमारे जो साबूदाना है वो आपस में चिपके नहीं, इसके लिए मैं इसमें 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद फिर हम इसे सांचे में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, और बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे और बीच बीच में खोलकर हम इसे चेक करते रहेंगे। फ्लेम में अपनी मीडियम कर दूंगी, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है इसे हमें। यहाँ पे जो मैं मसाला यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 2 से 3 दालचीनी ली है, और 1 लौंग लिया है। इसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। अब हम अपना साबूदाना चेक करते हैं। अब ये 2 से 3 मिनट में पक कर रेडी हो गया है। इसे एक बार चलाएंगे और हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम आप देख सकते हैं ये पक गया है। अब हम इसमें हमारा एक आलू मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, इस पर अब हम वो डाल देंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप उपवास का नमक यूज़ करिएगा। इसमें पिसी शक्कर डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से अपने, जो हमने पाउडर बना कर रखा है मसाले का वो हम डाल देंगे। लाल मिर्च भी हम डाल देंगे इसमें, आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। अब नींबू का रस हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। मूंगफली यहाँ पे मैंने रोस्ट करके रखी हुई है, उसको हम 1 से 2 चम्मच डाल देंगे। अनार के दाने इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। आप जो फ्रूट आपको पसंद है आप कोई भी फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं हरा धनिया और पुदीना मैंने काट कर रखा हुआ है, पुदीने का फ्लेवर से बहुत अच्छा आता है, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये फलाहारी चिवड़ा या सेब है आलू की, जो उपवास में यूज़ होती है, अब इसमें हम डाल देंगे। आप इसमें उपवास के लिए जो भी चिप्स है वो भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद है आप इस पर ऐड करके इसे और भी टेस्टी बना सकते हैं। ये बनकर हमारी रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे भी नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।